आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह के नर्मदा तट स्थित आश्रमों सहित मठ मंदिरों में गुरुपाद पूजन कर धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। नर्मदा तट स्थित आश्रमों सहित मठ मंदिरों में गुरु भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ दिन भर गुरुपाद पूजन कर मनाया गया। इस दौरान आश्रमों सहित मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगती रही। भक्तों ने अपने अपने गुरुदेव के पाद पूजन कर आशीर्वाद लिया और प्रसादी ग्रहण की। नाव घाट खेड़ी डहरिया स्थित सुंदरधाम आश्रम में तपोवन संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज द्वारा ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री सुंदरदास जी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया और गुरुदेव की महाआरती की। पश्चात भक्तों द्वारा महंत बालकदास जी महाराज के चरणों का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बालकदास जी महाराज ने भक्तों को गुरु दीक्षा भी दी। इस अवसर पर नए भक्तों ने गुरुदेव को शॉल श्रीफल पुष्पमाला अर्पित कर गुरु दीक्षा ली। इस दौरान विशाल भंडारा प्रसादी का भी भव्य आयोजन चलता रहा जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तट स्थित डोलारी आश्रम, शास्त्री जी कल्याणी माई आश्रम, माउली सरकार, चारुकेश्वर आश्रम, टाटंबरी सरकार, हरिओम आश्रम, दादाजी दरबार धाम, महोदरीत आश्रम और नगर के सत्ती घाटा स्थित राधा कृष्ण मंदिर, गोपाल मंदिर सहित अन्य आश्रम मंदिरों में भक्तों द्वारा गुरु पूजन किया गया। इस दौरान आश्रमों और मंदिरों में सुबह से शाम तक भंडारा प्रसादी का दौर चलता रहा। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन व्यास जी का जन्म हुआ था जगत में और व्यास जी ने 4 वेद 7 18 पुराण का आदि निर्माण हुआ था। व्यास जी महाराज की जो पूजा गुरु रूप में मानी जाती है, इसीलिए सबको गुरु जी की पूजा करना चाहिए। जो अपने गुरु बनाए हैं गुरु जी का पूजा। आज का दिन ऐसा है, यदि हम गुरु महाराज के पास नहीं जाते हैं, हम घर में हैं चाहे जहाँ भी हैं, गुरु महाराज जी की मूर्ति वहाँ फोटो लेकर के और गुरु महाराज जी पूजा करना चाहिए। मन से ऐसा विश्वास होना चाहिए, बिन विश्वास व्यक्ति विश्वास से सब कुछ होता है। आज गुरु पूर्णिमा है, देखिए एकलव्य जो थे गुरु जी ने उनको दीक्षा नहीं लिया, लेकिन एकलव्य जी ऐसे धनुर्धारी हुए कि उनको विश्वास था। गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके उन्होंने ऐसे विश्वास से गुरु महाराज का कि गुरु महाराज हमारे साथ छाप में करके तो अर्जुन से बढ़ के धनुर्धारी हो गया, तो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया था और अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से मांगा था। इसलिए जो है विश्वास सब कुछ होना चाहिए, बिन विश्वास भक्ति नहीं। सबको विश्वास से कोई भी काम करे और आप जहाँ भी रहें गुरु महाराज जो बोले आज्ञा का पालन करें। जब हमने गुरु महाराज बना लिया है तो गुरु महाराज का पालन करना चाहिए और गुरु के वचनों को पालन करते हुए गुरु मंत्र जो देते हैं उनका जाप करना चाहिए। हम इतने कहेंगे गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा फल है, आज सब जगह मनाया जा रहा है और सभी को मनाना चाहिए जो जहाँ जैसे हैं वैसे।